बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक बुक बाय आमना। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश। ये एक इटालियन डिश है और ये शीट्स देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ानिया। मैं बीफ़ का लज़ानिया बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो मटन का कीमा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो चिकन का कीमा यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार सी इटालियन डिश है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने लिया 1/2 kg बीफ, 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 बड़ा प्याज या फिर 2 छोटे प्याज आपने फाइन चॉप कर लेने हैं, 2 बिग टमेटोज हैं इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। जी 2 to 3 टेबल स्पून टमेटो पेस्ट है और ये रही लज़ानिया शीट्स, ये 12 लज़ानिया शीट्स हैं। जी और इसके लिए आपको स्पाइसेस बताती हूँ। मटन को भूनने के लिए हमें चाहिए ऑयल 2 to 3 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, ये है दादर मिर्च या फिर रेड चिली फ्लेक्स, अकॉर्डिंग टू अपना टेस्ट आप डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, ठीक है, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें। 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर है, जैसे कि आप जानते हैं हमारी इटालियन सारी डिशेस में ऑरिगेनो पाउडर ज़रूरी डलता है। ये है हमारे पास 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये है 1 टीस्पून ग्रेटेड लहसुन है, 2 जवे लेके मैंने इसको कश कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इस रेसिपी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लज़ानिया शीट्स को बॉइल करना है, देन उसके बाद हमने बीफ को तैयार करना है, उसके बाद हम लोग वाइट सॉस तैयार करेंगे और फिर असेंबलिंग। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। चलिए आप चूल्हे की तरफ चलते हैं और सबसे पहले लज़ानिया शीट्स बॉयल होने रखते हैं। जी तो मैंने चूल्हा चला दिया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लज़ानिया शीट्स। And 1 tablespoon of salt. जैसे कि हमें पता है कि हमेशा नूडल्स बॉयल करते हुए, पास्ता बॉयल करते हुए या लज़ानिया शीट्स कुछ भी बॉयल करते हुए ऑयल और नमक इसमें लाजिम डालते हैं। लज़ानिया शीट्स की बॉयलिंग जो है वो डिफरेंट कंपनीज पर डिपेंड करती है। ये वाली लज़ानिया शीट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लेंगी बॉयल होने के लिए। तब तक के लिए हम चलते हैं और कीमे को तैयार करते हैं। जी सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून ग्रेटेड लहसुन है, 10 seconds के लिए सौते करना है। प्याज इसको बस हमने हल्का सा पिंक करना है और फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ये हल्का सा पिंक हो गया है, अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। बस ये थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसे मीडियम टू हाई हीट पे रखा हुआ है। चिकन के कीमे को सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगते हैं पकने में, लेकिन बीफ के कीमे को थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा वाइटिश कलर का हो गया है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। थोड़ा सा हिलाया, नाउ मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट, इससे थोड़ा सा रेडिश कलर आ जाएगा। फिफ्टीन मिनट्स हो गए हैं और हमारा पास्ता भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने चूल्हा बंद करके लज़ानिया शीट्स को उसी पानी में रहने दिया है। जी अब मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी।
salt, 1 teaspoon. Red chili powder, 1/2 teaspoon. Chili flakes, 1/2 teaspoon. According to taste set कर लीजिएगा. Black pepper, 3/4 teaspoon मैं ऐड कर रही हूँ. ऑरिगेनो 1 टीस्पून, बल्कि थोड़ा सा और. जी स्पाइसेस ऐड हो गए, इनको मिक्स कर लेना है और पानी डाल के इसको कवर कर देना है तब तक के जब तक ये कुक हो जाए. उसके बाद उसका पानी ड्राई करके थोड़ा सा भून लेंगे और कीमा तैयार. और अगर आपके पास बीफ या मटन का कीमा है और आप उसको झटपट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में वेट भी दे सकते हैं. 7 to 8 मिनट्स में आपका बीफ डन हो जाएगा. जी मैं इसमें 7 से 8 कप पानी डालूंगी और इसको कवर कर दूंगी. जी तो आफ्टर 1/2 आवर इसका पानी मैंने, मुझे बीच में पानी और ऐड करना पड़ा था क्योंकि अभी बीफ डन नहीं हुआ हुआ था, कीमा डन नहीं हुआ हुआ था, लेकिन पानी ड्राई हो गया था तो फिर मैंने पानी और ऐड किया और मैंने लो टू मीडियम हीट पे पकाया इसको कवर करके. अब ये बीफ डन हो चुका है. आप इसके स्पाइसेस चेक कर लीजिए, इसका नमक, इसकी मिर्च, हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए. मिर्च थोड़ी सी तेज़ भी हो जाए तो चलेगी, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर वाइट सॉस डलनी है और शीट्स भी होंगी तो उस वजह से कहीं वो बिल्कुल फीका ना हो जाए, इसलिए आप इसको मिर्च को थोड़ा सा तेज़ साइड पे कर सकते हैं. और अगर आप इस सारा प्रोसीजर थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से आपका लज़ानिया तैयार हो जाए तो आप बीफ के कीमे को फटाफट से वेट लगाएं 10 to 15 मिनट्स की वेट में. डिपेंड भी करता है, बीफ पे भी डिपेंड करता है. कई दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बीफ हो तो वो 8 to 10 मिनट्स में भी डन हो जाता है और कई दफ़ा जो है वो बीफ टाइम लेता है और 15 to 18 मिनट्स लग जाते हैं इसको गलने में. ये देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया, ये अच्छे से भुन गया है. हम इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे, हम इसको जितना अच्छा भूनेंगे उतनी इसकी स्मेल ख़त्म होगी. अच्छा यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि वो जो एक अजीब सी बीफ की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल देंगे. सूखा धनिया डालने से उसकी वो वाली स्मेल, वो जो स्पेसिफिक सी एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है. 2 मिनट में तेज़ आंच करके इसको पकाती हूँ और फिर ये डन है. फिर चलते हैं वाइट सॉस की तरफ, देखते हैं वाइट सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. जी सबसे पहले हमें चाहिए है बटर. मैंने लिया है 3 टेबलस्पून बटर, 3 टेबलस्पून ही मैदा है, 3 कप्स ऑफ मिल्क है, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 3/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून. ये ऑप्शनल है, मुझे वाइट सॉस में चिली फ्लेक्स अच्छे लगते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद आप ना ऐड कीजिए. 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर है. और ये रही मज़रेला चीज़ जो कि वाइट सॉस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है. ऑलमोस्ट 5 to 6 हीप टेबलस्पून भर के मज़रेला चीज़ हम वाइट सॉस में ऐड करेंगे. ओके अब मैं वाइट सॉस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर हम 1 कप वाइट सॉस बनाना चाहते हैं तो हम 1 टेबलस्पून बटर लेंगे, 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे, 1 कप ऑफ मिल्क लेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए है मैंने 3 टेबलस्पून बटर, 3 टेबलस्पून मैदा और 3 कप्स ऑफ मिल्क लिया है. इन सब चीज़ों के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, लाइक 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि बटर जले नहीं और वाइट सॉस बहुत ही अच्छी सी बन जाए. ठीक है चलिए अब हम चलते हैं और बनाते हैं वाइट सॉस. जी सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून बटर,
थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, जस्ट लाइक 1 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, इसको हमने हिलाते जाना है कि इसके लम्स ना बने। अब हमने मैदे को बटर में थोड़ा सा भूनना है, बिल्कुल लाइट सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें दूध डाल देंगे। और मैंने इसके लिए नॉनस्टिक पैन नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरे पास नॉनस्टिक विस्क नहीं है और मुझे इसको कंटिन्यूस हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना बने। और मैंने बहुत ही लो हीट पर रखा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता मैं दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको बस मैंने 2-3 बॉयल्स देने हैं, ये थोड़ा सा थिक हो जाए, मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए क्योंकि लज़ानिया में हमें थोड़ी सी पतली वाइट सॉस चाहिए होती है। ये तो अगर आप वाइट सॉस पहले बना के रख रहे हैं तो बिल्कुल हमने इसको 1-2 बॉयल्स देने हैं और फिर जिस वक्त असेंबल करना है उस वक्त दोबारा से इसे गर्म करेंगे। और अगर ये थिक हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये थिक हो जाए तो फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। नमक डाल दिया, ऑरिगेनो वाइट सॉस का मेन इंग्रेडिएंट, ब्लैक पेपर, जी रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है लेकिन ये वाइट सॉस को बहुत ही प्यारा सा कलर भी देते हैं और मुझे तो इसका फ्लेवर भी बहुत पसंद है। ये देखिए बस ये इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, लिक्विडी सी। अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। नाउ ये बस चीज़ मेल्ट हो गई और हमने चूल्हा बंद कर दिया। वाइट सॉस रेडी हो गई है, ये ठंडी होके थोड़ी सी थिक हो जाएगी और अगर आपको थोड़ी सी और थिक कंसिस्टेंसी करनी है तो आप इसको थोड़ा सा और पका लीजिए। वाइट सॉस तैयार है। अब आ रहा है बहुत ही मज़ेदार सा पार्ट, लज़ानिया की असेंबलिंग। सबसे पहले हमने डिश में ऑयल ब्रश करना है। अच्छे से ऑयल ब्रश करके ये देखिए, ये मैंने लज़ानिया शीट्स इस तरह सेपरेट सेपरेट करके रख दी थी। सबसे पहले हम एक लेयर लगाएंगे लज़ानिया शीट की। ये मेरी डिश से बड़ी है तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगी यहाँ से। जी इसके ऊपर हम कीमे की लेयर लगाएंगे। अच्छे से स्प्रेड कर दिया मैंने इस लेयर पे कीमा। थिन लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी। जी नाउ वाइट सॉस की अच्छी वाली लेयर लगाऊंगी। नाउ इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज, आप चेडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप डालना चाहें। अगर ये थोड़ी थोड़ी शीट्स टूट जाती हैं तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगेन हम कीमा लगा रहे हैं इसमें। नाउ वाइट सॉस, अगेन थोड़ी सी मोज़रेला चीज। अच्छा पता है लज़ानिया आप चाहें तो एक दिन पहले बना के रख लें। अगर आपके घर गेस्ट ने आना है, आप गेस्ट को लज़ानिया सर्व करना चाहते हैं, आप एक दिन पहले लज़ानिया बना के रख लें, बस उस दिन आपको बेक करना पड़ेगा। आप इसको फ्रीज़र में रख दें, जब आपको खाना हो उससे आधा घंटा पहले आप फ्रीज़र से निकाल के रख दें और बेक कर लें।
सेम वही रिजल्ट आएगा जो उसी वक्त आप बेक करते तो आता। अगर शीट्स थोड़ी सी टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, बेक होके सब सेटल हो जाएगा। सारी शीट्स को मैंने इस व्हाइट सॉस से कवर कर देना है। और एक बहुत ही अच्छी सी लेयर चीज की लगानी है जी। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल देनी है और ऑरिगेनो, एंड इट्स डन। अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ मीडियम हीट पे हाफ एन आवर के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा हुआ है। और इसकी एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट टिप कि जब हमारा लज़ानिया बेक हो जाएगा 30 मिनट्स बाद मीडियम हीट पे, तो फिर हम लोग इसको हाफ एन आवर के लिए बाहर रख देंगे। और बाहर क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारी लज़ानिया की लेयर्स सेटल रहे, अदरवाइज अगर हम इसको गरम गरम काट लेंगे, गरम गरम सर्व करेंगे, सारी लेयर्स फिसल जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि लज़ानिया की लेयर्स सेटल रहे तो हमें इसको बेक करने के बाद हाफ एन आवर बाहर रखना है। चलिए जी, हमें रखने लगी इसको ओवन में, मिलते हैं 30 मिनट्स बाद। जी ये देखिए लज़ानिया बेक हो गया है, कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आई है। अब मैं इसको हाफ एन आवर के लिए या मिनिमम 20-25 मिनट्स के लिए इसको मैं यहीं पड़ा रहने दूंगी ताकि इसकी लेयर्स एडजस्ट हो जाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।